चाय के मेरी बैठी भाइयों, जैसे कि हमारे गांव में पितृ पूजा हो रही है और हम सब लोग दिल्ली से और शहरों से जो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से हम लोग यहाँ पिंजु दादी की पूजा करने के लिए आ चुके हैं और सभी हमारे जो भाई बहन हैं वो भी आ चुके हैं। और अब हमारा ना कल से जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है पूजा का, कल सुबह पहले हमने जाना है जूड़ी बैल और वहाँ से उनकी जो मिट्टी है वो लेके आनी है और उसके बाद जो कार्यक्रम चलता रहेगा ना उसके बारे में हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे और आगे का प्रोग्राम आपको हम कल ही बताएंगे। अब हम आज हम गांव में यहाँ पहुँच चुके हैं सबके साथ पूजा करने के लिए, सारे भाई बंधु कोई मुंबई से आया है, कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, भारत के चारों दिशा से लोग पहुँचे हुए हैं। और दाजी ये भी बताइए ना, दाजी मतलब कौन सी पीढ़ी में पूजा आप दे रहे हैं? दाजी को हम आठवीं पीढ़ी में पूजा दे रहे हैं, यानी कि कई सौ साल पहले ख़त्म हुए हैं तो उनकी वो बार बार हमारी पूजा में निकल के आ रहे हैं तो हम उनके नाम की पूजा दे रहे हैं। और कल से पूजा चालू हो रही है, कल से शुरू हो रही है पूजा, तो सब आशा करते हैं कि सब भाई बंधु और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें और हम दादाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी पूजा हमारी है बहुत सफल बनाए, हम जिसके लिए आए हैं उसके लिए उसको सफल करें। जय केंद्रीय दाजी की, जय केंद्रीय दाजी, जय केंद्रीय दाजी, जय। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? आज हम लोग गांव में आए हैं अपने पितरों की पूजा करने के लिए और आज जो भी है यहाँ पे सब आधे लोग तो पहुँच चुके हैं, बाकी रास्ते लगे हुए हैं, सब धीरे धीरे आ रहे हैं। आज हम धर्मचंद के यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी जलपान का प्रबंध कर रखा है इन्होंने और ये हमारे भतीजे हैं रविंदर, हाय, खोड़ा में रहते हैं, ये मुकेश है, ये धौला कुमार रहते हैं, छोटे भाई है मेरे और इनको तो आप जानते हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, जो ये यूट्यूब के करता धरता है, ये हमारे यूट्यूबर है ऑल इन वन डीसी काली चाय तो गर्म की नहीं होती है, थोड़ा बड़े की तरफ घुमा लेते नन्ना, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, जितेंद्र हैं हमारे भाई साहब हैं, जीवन भाई साहब, ये हमारा छोटा शेर है, ये ड्राइंग कर रहा है, छोटा भीम बना रहा है हेलो दोस्तों, अब हमने खाना खा लिया दोपहर का, हमने सोचा कि जरा अब अपने वहाँ की लोकल मार्केट देख के आए सेतुखाल की तरफ और यहाँ से हमारा गांव इतना खूबसूरत दिख रहा है तो हमें तो एक ब्लॉगिंग कर ली जाए, है ना, और बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा, खेत खलिहान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से नीचे हमारे यहाँ की नदी है जो उस तरफ दिखाई दे रही है और ये हमारे भैरव बाबा की का मंदिर है उस तरफ है। आप देख सकते हैं हमारे इष्ट देव का, हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर है, इष्ट देव हमारे और अब आपको आगे से और नज़ारा व्यू दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं और साथ साथ आपको सेतुखाल मार्केट का भी नज़ारा दिखाते हैं, मछलियाँ कराना चाहते हैं, ये मेरे चाचा मेरी जान, ये भतीजा मेरा और ये भाई जो हमारी ब्लॉग बना रहे हैं, मेरा भाई मुकेश और ये छोटा भाई, आई लव यू धर्म, लव यू टू। क्या कोई हमारी इस प्यारी जोड़ी को देख के फुके ना, बहुत लाइक करे, हमें आपके इतने लाइक मिलने चाहिए जितने आज तक आप लोगों ने हमें प्यार दिया है, बिल्कुल हम आगे भी चाहते हैं कि आप लोग हमें अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग दिखाएंगे, हम आपको अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग दिखाएंगे, हम अपने गांव में ठाणा आएंगे तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, आज हम आपको स्टेशन दिख रहे हैं, कल हम आपको एक नए अवतार में दिखेंगे, तो हर दिन हम आपको एक नई सूचना देते रहेंगे आप लोगों का धन्यवाद। यहाँ भैरव मंदिर के बारे में भी बताना थोड़ा सा चाचा, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं हमारे गांव के भैरव बाबा का मंदिर का, हमारे
गौ माता भैरव है। हाँ। और बहुत मान्यता है इनके, हम लोग यहाँ पे इनके दर्शन के बिना नहीं जाते। और ये आप देख रहे हैं हमारा मार्केट का रोड जहाँ से स्टार्ट होता है, उसके नजदीक पहुँच गए हैं। ये देखिए हमारे चाचा बहुत भागते हुए जा रहे हैं, अपना स्टैमिना दिखा रहे हो। हाँ, अपना वो दिखा रहे हैं, स्टैमिना। हाँ, स्टैमिना दिखा रहे हो। हाँ। कि मैं इतने टाइम बाद आया हूँ फिर। हाँ। भी कितना फिट हूँ मैं, दिखा रहे हो। हाँ। पीछे वाले चाचा को देखो, देख फिर ऊपर उतर रहे हैं, पीछे वापस गिर रहे हैं। अरे भतीजा की तो कोई नहीं करेगा, पर गांव में वगैरह और भी होंगे। देख वाह, वेरी गुड। ये हमारे जिगड़ी सूखती कुरान ऊपर को आते हुए बहुत चढ़ाई है, बहुत बड़ा। अभी हमने इतना अच्छा स्वादिष्ट लंच किया है और देखो सारा खाना पच गया है। हमारे और दर्शकों को भी दिखाइए, हमारे पास और भी कला है। चल चल के हालत इतनी खराब हो गई है। हाँ। अभी तो इस टाइम में दिखा रहे चला भी नहीं जा रहा, बहुत ऊँची चढ़ाई है। चढ़ाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? वैसे चलते रहिए, फिट रहिए, खुश रहो। चलते रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए। क्या चाचा चल हमें धर्म चंद जी, जरा हमें गाँवों का वो कराइए, हमें गाँवों के नाम नहीं कराया, जरा हमें कृपा मार्गदर्शन दिखाइए। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, चौंडला ऐरोली। अच्छा। और हम आपसे जानना चाहते जो उस पर गांव है वो क्या कहते हैं उन गाँव, जरा बताइए जी। कौन से वो देखो सामने? हाँ जी, बड़े खूबसूरत गाँव है। हाँ जी, देखो एक गांव ऊपर है। हाँ जी, एक गांव नीचे है। हाँ जी, एक गांव और उससे नीचे है। हाँ जी, बहुत अच्छे खूबसूरत गांव है। पर मुझे सामने वाला जो पहाड़ है। हाँ, उस पहाड़ के पीछे कांड गांव है। अच्छा, कांड गांव सिमड़ी है और कांडा है। नहीं नहीं, कांडा इधर है, वो साइड पे उस तरफ है। इधर भी तो है कुछ। हाँ, ये जो ऊंचा वाला गाँव है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला गाँव है भाई, उससे जो बीच वाला गाँव है और जो सबसे नीचे वाला गाँव है, तीनों का नाम मुझे नहीं मालूम, सॉरी। अब नहीं होगी, अब रोड पे आ गए ना। देखो गांव, देखो यहाँ से कितना अच्छा दिखता है, एक एक कूड़ी पता चल जाए। बताओ तुम्हारे कूड़ी कक्ष? मेर कूड़ी वो कक्ष दिखाओ जरा, कक्ष तुम्हारे कूड़ी वो कक्ष देखने से ना, रंग बताओ रख मैं जूम करना चाहूँ, अब रंग बताओ। बेरंग जी बताओ कक से कौन वो जो ग्रीन मकान दिख रहा है, गड़े ले बोले गड़े ले जी, हार रंग, हार रंग, हार रंग, हार रंग जो ने के नीचे मैं भी सॉरी मैं यहाँ पे सामने चु, वही घर में आ रहा चु। को वाला जो हार रंग का घर घर चु ना, घर के सामने जो दगड़ में सब घर से, वही घर हमारे से, तुम्हारे घर से। हाँ। अच्छा, वो हार वाले हैं, हार वाले को दगड़ में, दगड़ में वो जो हार वाला दगड़ में है ना, वो वाला उनका है, वो हमारे घर ये भी बना दूं। इसे काट दो यार, ज़्यादा सुन नहीं यार। स्पीच दो कुछ, स्पीचलेस हो गए हम। ऐसे कैसे पता नहीं। अरे नहीं, तुम्हारे दर्श, मेरी बात सुनो, तुम्हारे दर्शक कितना टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब आओगे, कब कुछ बोलोगे, कब तुम्हारा ब्लॉग आएगा। तुम्हारे ब्लॉग देखने के लिए बड़े जो है ललायत रहते हैं लोग। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। क्या बोले
देखो कितना अच्छा व्यू है, देखो पीछे गांव दिख रहा है हमारा, दिख रहा है ना? और क्या, देखो देखो बिल्कुल चिंता ना करो तुम। किधर से आए आते ही मेरे मन में समाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, छोटे छोटे झरने हैं के झरनों का पानी छूके, कुछ वादे करने हैं के झरनों का पानी छूके, कुछ वादे करने हैं, झरने तो बहते हैं ओ साहिबा तो बहते हैं, कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं, ओ साहेबा उस पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। वाह, ये है हमारे गांव का फल। क्या तोड़ रहे हो चाचा जी? हसला। हिसोला? अरे वाह, हसला हिसोला कटोर यार, कांटे बहुत है इसमें। आराम से ये आते तो ये आ रहा है, उसको 20 पाइन का 20 तो चाहिए भी नहीं, जाना हटा टट्टी लगा दी। हां हां, क्रास हो जाती, क्रास भयंकर वाली। तुम्हारा तो खाओ, तुम्हारा तो ऐसे पेट चलता रहता है। मैं तो चाहता हूँ मेरा पेट खराब हो जाए। है या? इनको आता नहीं ना, लेटिंग बोटिंग आती नहीं है। खराब होगा तो आएगी, कुछ तो आएगा। अच्छा। स्टॉक नहीं देगा ना अंदर। हेलो यार, कालो कालो एक अपनी तरफ। वाह, मजा आ गया। पहाड़ों का कहाँ पहुँचे हम? हम पहुँच रहे हैं सेतू हॉल। ये भारत लाला जी की दुकान है, हम घूम रहे हैं अब अपने। मस्त गुलाब, अरे मेरी जान तू ही तो है, मेरी जान, मेरी वाइफ, मेरी दीपा। ये मैं पहले पिंजरा का ये तेरे नाम ले लिया है, मैं समझ गया भावना। नहीं यार, यहाँ कौन सी अब भाभी है यहाँ? बोले भाभी तो नहीं है, लेकिन वीडियो भाभी के पास पहुंचनी है। बड़े गुलाब तोड़े जा रहे। और क्या, बड़े खुश हो तुम? बड़े खुश, ये तो घर से खिस्ता कर रहा हूं इनको मैं।
अरे यार ये मत बोलो यार, बाहरों फूल बरसाओ। इन थिचोल इन थिचोल जन मूल आते थिस दी। टीशर्ट बड़ी लाइट मार रही है तुम्हारी। वैसे एक बात है, ये टीशर्ट पहन के अगर परसों तुम शादी में होता है यहाँ ना, सबसे अलग दिखते लो, सामे सामे लोगों का जो है सूट भी और शेरवानी सब फेल हो जाती। क्यों भाई सही बोल रहे हैं चाचा? दो शब्द, दो शब्द एक नंबर, एक नंबर हैं।